गांधी सेतु के समानांतर बनने वाला नया फोर लाइन पुल 2024 तक होगा शुरू। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, ये जो है उत्तर और दक्षिण बिहार को जो लाइफ लाइन कहा जाता है, जोड़ने वाली समानांतर पुल चार लाइन में बनने के लिए जो है अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है और 2024 तक जो है आपको काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बिहार की लाइफ लाइन कहे जाने वाले महात्मा गांधी सेतु से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी सेतु पुल के समानांतर बन रहे फोर लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इस परियोजना को साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जहां और एक परियोजना पूर्ण होने के बाद उत्तर से दक्षिण बिहार आना जाना आसान होगा। वही महात्मा गांधी सेतु भी भारी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। और अगर इस पुल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बहुत ही तेज चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस समानांतर पुल के 33 पिलर में से अब तक जो है 19 पिलर का निर्माण पूरा कर लिया है। मैं बता दूं कि पूरा किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ विभाग के निर्माण कर रही है एजेंसी की हिदायत दी गई है कि सितंबर 2024 तक जो है इस पुल का निर्माण 100% पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी सेतु पुल के बन रहे समानांतर इस फोर लाइन की लागत जो है 29,926.42 करोड़ रुपया इसका पटना के 0 माइल से हाजीपुर के BSNL गोलंबर तक किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 14.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इस समानांतर पुल को बन जाने के बाद इस पुल से दोनों लाइन की सर्विस उपलब्ध होगी। एक लाइन से ऑटो पुल के तथा छोटे वाहन तथा एक लाइन से बड़े वाहनों का परिचालन होगा। फ्रेंड, या जहां एक और इस तरह से पुल के बन जाने के बाद आने जाने के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और उत्तर से दक्षिण बिहार आना जाना आसान हो जाएगा। राजधानी पटना की परिवहन व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हो जाएगी। यानी कि मैं बता दूं कि जाम से जो है आपको हाजीपुर से पटना जाने में जाम की जो समस्या आपको हमेशा सामना करना पड़ता था, वो अब जो है जाम की जो समस्या है वो उससे आपको बहुत जल्द निजात मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा जी के बीचों बीच में जो कि पिलर का निर्माण, यानी कि मैं बता दूं कि अब तक जो है 19 पिलर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिलर का निर्माण जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जो कि ये पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है क्षेत्र में क्रांति ला देगा और आपको मैं बता दूं कि पटना के विकास में एक और जो है आपको चार चांद जोड़ देगा। ये पटना का नया गांधी सेतु जो कि चार लाइन में बनकर तैयार होगा। फ्रेंड, तो मैं बता दूं कि ऐसे ही जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ये अपडेट ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।